गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था. 11th चैप्टर है जो हमारे साइंस का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. इसका हमने सिर्फ फर्स्ट टॉपिक ही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. तो स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं. एक बार सबसे पहले तो हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ह्यूमन आई का ही. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बार. एक्चुअल में ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट आपको इसमें समझ आ जाएगा. स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी ह्यूमन आई है. इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 लेयर्स हैं, एक ब्लू में, एक रेड और एक येलो में. अगर बेसिकली बात करें इन तीनों लेयर्स में, तो जो सबसे पहले ब्लू लेयर है, ये स्टूडेंट्स होती है हमारी स्क्लेरा. क्या होती है? स्क्लेरा इसको हम बोलते हैं. और स्टूडेंट्स, यही जो स्क्लेरा है ये आगे जाकर ही हमारी कॉर्निया की फॉर्मेशन करती है यहाँ पर. ओके, तो जो स्क्लेरा लेयर है वही किसकी फॉर्मेशन कर रही है? कॉर्निया की. तो 10th लेवल पर आप सिर्फ इतना याद रखें, जो आउटर मोस्ट पार्ट है सबसे पहले वो होता है कॉर्निया. और कॉर्निया ही जो लाइट की एंट्री है उसको, मतलब लाइट को परमिट करता है आँख में एंटर करने के लिए. स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने एक चीज़ और समझ लेनी है. जो कॉर्निया है, अगर बेसिकली हम बात करें हमारी आई के अंदर, तो कॉर्निया जैसे हमारे, सपोज करो ऐसे ही आँख इस तरह से प्रेजेंट होती है हमारी, यहाँ पर ऐसे दो पार्ट्स होते हैं. तो इसके अंदर यहाँ पर जो हमारा ये पोर्शन होता है वाइट कलर का, ये होता है स्टूडेंट्स हमारा कॉर्निया जो हमें दिखाई देता है. आगे अगर हम बात करें, जो सेकेंड लेयर है हमारी, दैट इज़ कोरॉइड. ये रेड कलर की जो है लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरॉइड. क्या बोलते हैं उसको? कोरॉइड. ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये नॉलेज के लिए ही 3 लेयर्स के नाम. आप याद करना चाहो तो अच्छी बात है, अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो. अदरवाइज इन तीनों लेयर्स का आपको ज़रूर पता होना चाहिए. कोरॉइड स्टूडेंट्स क्या है? कोरॉइड जो आपका पीछे से आप देख सकते हो, 2/3 जो पार्ट है वो थोड़ा थिन होता है, पतला होता है. और आगे जाकर इसी का यही, ये रेड कलर की जो है ये कोरॉइड है, यही जो पार्ट है वो थोड़ा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है. और मोटा होने के बाद जो ये थिक पार्ट है इसका, वो किसकी फॉर्मेशन करता है यहाँ पर? हमारी सिलियरी मसल्स की. किसकी फॉर्मेशन करता है? सिलियरी मसल्स की. और ये सिलियरी मसल्स जो यहाँ पर बीच में स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट है आँख के, इसको दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, बिल्कुल टोटली ऐसे स्ट्रेच करके रखता है बीच में, इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन पर अटका के रखता है. ऐसे आप समझ सकते हो इसको. अब साथ में यहाँ पर दो पार्ट्स और हमारे आते हैं इस लेंस में ही. लेंस से आगे हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ आयरिस. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा आयरिस. आयरिस क्या करता है? अच्छा, इससे पहले आप ये भी समझें, जो ये पार्ट रहेगा बीच का, दिस इज़ प्यूपिल. तो आयरिस के जो फाइबर्स हैं स्टूडेंट्स, उनका काम होता है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना. प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है, छोटा होता है, यानी कि प्यूपिल का साइज़ है वो एक्सटेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो उन सबको कौन कंट्रोल करता है? आयरिस. अब आपको यहाँ से ये भी समझना है कि जो प्यूपिल है, मतलब कब उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, कब छोटा हो रहा है. तो जैसे ही आप किसी, सपोज करो किसी ये डार्क रूम के अंदर आप एंटर करते हो एकदम से, और बाहर लाइट से आए हो, तो एकदम से आपको यहाँ पर चीज़ विजिबल नहीं होती, आपको थोड़ा टाइम लगता है विजिबिलिटी लेने में. तो इसमें क्या होता है, जो प्यूपिल का साइज़ है वो आपका धीरे धीरे एक्सटेंड होता है, धीरे धीरे जो साइज़ है वो प्यूपिल का बड़ा होने लगता है. और अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट में, सपोज करो आप घर से बाहर गए, बहुत ज़्यादा लाइट में आपने एंटर किया, सनलाइट बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो उस टाइम आप भी देखते हैं आपकी आंखें थोड़ा सा, आप उनको मतलब ऐसे बंद करते हो हल्का हल्का, और जिसे मतलब जो आपका प्यूपिल का साइज़ है ना वहाँ पर स्टूडेंट्स, वो थोड़ा कम होने लगता है, मतलब वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ज़्यादा लाइट में, ताकि एक्सेस की जो लाइट है वो आपकी आँख के अंदर एंटर ना कर पाए. ऐसे समझना है आपने. तो यहाँ से आपके जो 4 पार्ट्स हैं, कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल एंड सिलियरी मसल्स, ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए. बीच में हमारा होता है एक आई लेंस, जो जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें, तो हमारे आँख में जो 3rd लेयर होती है, जो ये आप येलो कलर की देख सकते हो, ये होती है हमारी रेटिना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या होती है? रेटिना. वैसे रेटिना में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, लेकिन आपको इतना डीप इसमें नहीं ज़रूरत है ज़्यादा घुसने की. लाइक फोटोरिसेप्टर सेल्स है, गैंग्लियन सेल्स होती हैं हमारी,
और इस तरह से हमारे तीन तरह की सेल्स इसमें होती हैं, पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखें जो थर्ड लेयर है वो रेटिना है। रेटिना हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ येलो जो लेयर है, टोटली इसको हम बोलते हैं रेटिना। ओके, तो रेटिना का काम होता है जो भी इमेज, मतलब जो भी हमारी आँख देखेगी उसकी जो इमेज है वो डायरेक्ट रेटिना पर बनती है। स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, रेटिना के अंदर है ना हमारी दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं रोड सेल्स और दूसरी होती हैं स्टूडेंट्स कोन सेल्स। कौन सी होती हैं? कोन सेल्स। स्टूडेंट जो कोन सेल्स हैं, जब भी हम लाइट में कुछ भी चीज़ देखते हैं लाइट के अंदर, तो विजिबिलिटी हमें किसकी वजह से आती है? कोन सेल्स की वजह से। यानी कि जो अलग अलग तरह के कलर्स हम देख सकते हैं वो कोन सेल्स की वजह से, दिन के टाइम हमारी जो कोन सेल्स हैं वो हमें लाइट में हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने में। स्टूडेंट्स अगर ठीक इसके विपरीत बात करें हम रोड सेल्स, तो रोड सेल्स हमें हेल्प करती हैं अंधेरे में देखने में, रात के टाइम देखने में। रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है इसके अंदर जो हेल्प करता है सेल्स की रात के टाइम अंधेरे के टाइम विजिबिलिटी में। ओके, तो आई होप आपको इन दोनों के फंक्शन समझ आ गए होंगे, रोड सेल्स और कॉर्न सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। स्टूडेंट जो यहाँ पर गिवन है ये ब्लाइंड स्पॉट, एक्चुअली में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो यहाँ नहीं, यहाँ आप पार्ट लिखें फोविया। क्या लिखना है आपने? फोविया। और जो ये ब्लाइंड स्पॉट इन्होंने दिया उसको आप यहाँ बनाएं, बच्चों ध्यान रखना ब्लाइंड स्पॉट को आपने यहाँ बनाना है। जो ये रेड मार्क मैंने अभी बनाया है पेंसिल से, आप ऐसे ही छोटा सा डॉट बनाएं और यहाँ लिखें ब्लाइंड स्पॉट। ये आपने पूरा लिखना है, कहीं मेरी तरह ही BS लिखें, ठीक है? यहाँ लिखना है ब्लाइंड स्पॉट। तो समझना है इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रोड सेल्स हैं, कौन सेल्स हैं सॉरी, वो प्रेजेंट नहीं होती हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है ब्लाइंड स्पॉट पर, कोई इमेज नहीं बनती, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा गया। और ये फोविया एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मैक्यूला लुटिया एक हमारा नाम होता है। चलो इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, आप सिर्फ इतना ध्यान रखना इस ब्लाइंड स्पॉट की जगह रखना है आपने फोविया। और फोविया मतलब जो ये आप डिप्रेशन देख सकते हो, इस तरह से हमारा डिप्रेशन बना हुआ है, ये फोविया, ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है? इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो कौन सेल्स हमने अभी पढ़ी है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट स्टीक इमेज यहाँ पर हमारी बनती है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे दो मेन पार्ट्स रहते हैं, एक है एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वाटर लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों, जो हमारे कॉर्निया के और इस लेंस के ठीक बीच में प्रेजेंट होता है। और विट्रस ह्यूमर हमारा यहाँ लेंस के और इस रेटिना के यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ओके, मॉइस्चराइज करने में सेल को। और जो एक्वस ह्यूमर है ये साथ में ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से ल्यूब्रिकेशन का भी हमारी आई के लिए कहीं ना कहीं काम करता है। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स यानी कि बहुत सारी मसल्स हैं जो आपस में अटैच्ड हैं, और ये क्या करती हैं, इसको अटैच करके रखती हैं। जो हमने एग्जैक्टली सीलियरी मसल्स का फंक्शन पढ़ा, समथिंग समथिंग वही सेम रहेगा इनका। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, हमारी आई ने जो भी देखा है वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब करना क्या है, वो सारा ब्रेन तक जो मैसेज लेकर जाने का काम है वो कौन करती हैं? ऑप्टिक नर्व्स। तो आपने आज इसी को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना है अच्छे से, आगे कल हम इसके जो डिफेक्ट्स हैं विज़न के उनको डिस्कस करेंगे।